हेलो बच्चों, गुडविल के थर्ड वीडियो में स्वागत है आपका। मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ हॉट्स, यानी कि जो बाद में हमने मेथड्स किए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के, कैपिटलाइजेशन मेथड के, उनके जो हॉट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक खत्म। का दावा है कि ये हॉट्स करने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आप ना कर पाएं। सारे गुडविल के जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाएंगे और हमारे अगर ये क्वेश्चन आया बोर्ड में तो 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर गुडविल का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो जो आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे उनमें भी गुडविल की कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम करते हैं हॉट्स। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त वही चीजें जो हमने पहले की थी कि अब नॉर्मल चीजों का रिवर्स इफेक्ट दिखाना था। 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट था उसमें 1 लाख लॉस माइनस हो रखा था जो अबनॉर्मल था, हमने उसे रिवर्स किया तो 2 लाख प्रॉफिट हो गया। 1 लाख में एक अबनॉर्मल लॉस 1 लाख दोबारा से प्लस किया, 2 लाख हो गया और एक हमारा अबनॉर्मल गेन इंक्लूड था फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 2,60,000 था जिसमें 40,000 इंक्लूड था, वो हमने रिमूव कर दिया तो 2,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसको हमने जब प्लस करके 5 से डिवाइड किया तो आया 1,98,000। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली गिवन होता है, बट इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेट एसेट निकालते हैं हम। टोटल एसेट्स में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख माइनस कर दी हैं, तो 20 लाख टोटल एसेट्स गिवन है और 5 लाख आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दी, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, तो 15 लाख का 10% 1,50,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हो रही होगी कि नेट एसेट्स का जो फॉर्मूला था वही सेम लग रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड का। जी हाँ, जब आप थर्ड बुक करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी क्योंकि थर्ड बुक में कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फिलहाल आते हैं सुपर प्रॉफिट पे। अब सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस किया 1,50,000, तो 48,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब तो बस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है और गुडविल आ जाएगी सामने। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखने में जितना टफ लग रहा था उतना टफ नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 टीएस ग्रेवाल का। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में भी था और इसमें गुडविल नहीं फाइंड करनी थी, गुडविल गिवन थी बट इसमें फाइंड करना था एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम करते हैं 37। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन 2018 सैंपल पेपर में था। इस क्वेश्चन में गुडविल तो गिवन थी सुपर प्रॉफिट मेथड से लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट गायब था, तो फाइंड करना था एक्चुअल प्रॉफिट। बच्चों क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए भी थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि असेट्स गिवन है एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000, तो असेट्स में तो स्टॉक भी आना चाहिए बट वो एक्सक्लूडिंग स्टॉक था तो हमने स्टॉक वापस ऐड किया, तो ये आ गई हमारी टोटल असेट्स। उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। मतलब नेट असेट वाला फॉर्मूला जो है वही लगता है यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स फाइंड करने के लिए हमने स्टॉक इंक्लूड कर दिया क्योंकि बिना स्टॉक के असेट्स थी 1 लाख, स्टॉक मिला के असेट्स हो गई 1,20,000, उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस की तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,10,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो 8% रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, 1,10,000 का 8% 8,800। अब आते हैं गुडविल का फॉर्मूला सीधा लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल गिवन है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अब 60,000 गुडविल गिवन है, सुपर प्रॉफिट को मैंने एस ले लिया क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है और इनटू 4 नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज भी गिवन है, तो अब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड के
सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के फॉर्मूले पे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी गर्मा गर्म फाइंड किया यहां पे 15,000, तो सुपर प्रॉफिट यहां 15,000, एक्चुअल प्रॉफिट को मैंने एक्स ले लिया और नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहां से पुट कर दिया 8,800। तो एक्स की वैल्यू यानी एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 15 and 8, 23,800। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 43 क्वेश्चन। बुक्स के हिसाब से पुरानी जो टीएस ग्रेवाल है उसमें ये हो सकता है सीरियल नंबर डिफरेंट हो, तो वो आप मैच कर लेना। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। चलिए बच्चों करते हैं 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, बस एक दो जगह फंसाने की कोशिश की है। बच्चों हमेशा वो लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई छोटी सी चीज़ डाल देते हैं जिससे बच्चे परेशान हो जाएं। अगर वो चीज़ आपको आती है तो बस आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर का रेमुनरेशन भी 1 लाख है क्वेश्चन में, ठीक है, और लैंग्वेज लिखी हुई है रेमुनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब पार्टनर के रेमुनरेशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह लेना है। वैसे तो हम नहीं लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन कह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है, या तो 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट गिवन है हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख माइनस करो, क्योंकि 3 ईयर्स के प्रॉफिट है। अगर रेमुनरेशन है तो वो फिक्स होगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 ईयर्स। तो या तो टोटल प्रॉफिट में से 3 लाख माइनस कर दो फिर डिवाइड बाय 3 कर दो, या फिर एवरेज निकालने के बाद आप 1 लाख माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आसान तो यही है कि एवरेज निकालने के बाद 1 लाख माइनस कर दो, या फिर आप टोटल प्रॉफिट में से 3 लाख माइनस करके 3 से डिवाइड कर दो, आंसर तब भी सेम आएगा। दूसरा परेशान करने की कोशिश की गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था क्वेश्चन में, फिर भी नीचे असेट्स ऑफ द फर्म ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 7 लाख। तो ये जो ब्रैकेट में लिख दिया इससे बच्चे परेशान हो गए। वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख। तो आपको नेट एसेट जब चाहिए होगी तो टोटल एसेट 7 लाख है, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करनी है 1 लाख, और आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अब इजिली हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसा क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन इजी है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि हम कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड लगाएं, एवरेज वाला या सुपर प्रॉफिट वाला। हम दोनों से कर सकते हैं लेकिन मैं सुपर प्रॉफिट वाले से करना चाहूँगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 2 लाख और कैपिटल 16 लाख गिवन है, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं और रेट है 10%। तो इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करते हैं, वैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी कर सकते हैं लेकिन सुपर प्रॉफिट से करना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट इसको ही ले रहे हैं जो हमें गिवन है, ये यही एवरेज होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनटू आर बाय 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,60,000, तो ये हो गया 40,000। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहता है फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो इसमें रेट है 10%, आंसर इज 4 लाख। तो गुडविल आ गई 4 लाख। इसको हम एवरेज प्रॉफिट अज्यूम करके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।